झारखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। कोयलांचल धनबाद की बात करें तो धनबाद में भी मौसम का मिजाज बदल गया और ऐसे में लोगों को इस गर्मी से काफी राहत मिली है। लगातार पिछले कई दिनों की अगर हम बात करें तो प्रचंड गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया था, लेकिन रविवार को सुबह जब धूप थी लेकिन 12 बजे के बाद से ही बादल आने लगे और 2 से 3 बजे के बीच में काफ़ी तेज हवा चलने लगी और उसके बाद धूल धक्कड़ भी उड़ने लगे और ऐसे में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तकरीबन 3 डिग्री तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और बादल होने की वजह से प्रचंड धूप से जो लोगों को परेशानी हो रही थी उससे लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने ये जारी किया है कि अभी फिलहाल आने वाले 2 से 3 दिन तक मौसम ऐसे ही देखने को मिलेगा, हवा चलती रहेगी और लोगों को इस प्रचंड गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि लगातार प्रचंड गर्मी की वजह से काफ़ी संख्या में लोग भी बीमार हो रहे थे, लेकिन अब क्योंकि बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है। फिलहाल अगर आसमान हम आपको दिखाना चाहें कि ये दोपहर का वक्त है और ऐसे अगर आम दिनों की बात करें तो 8 से 9 बजे के बाद ही काफ़ी ज़्यादा धूप और गर्मी देखने को मिलती है, लेकिन फिलहाल अभी दोपहर हो रहा है और दोपहर में इस तरह से तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग ने आपको बता दूं कि पूरे झारखंड में येलो अलर्ट जारी किया है और सावधान रहने की भी सलाह दी है, क्योंकि फिलहाल लगातार अभी मौसम में यही देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी में अभी एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जिसकी वजह से आने वाले 3 दिनों तक मौसम में यही स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि इस मौसम के बदलाव से कोयलांचल धनबाद और साथ ही साथ झारखंड में अगर हम बात करें तो लोगों को राहत मिली। अब देखते हैं कि कितने दिनों तक राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल गर्मी ने दस्तक दे दी और ऐसे में ज़रूरत है कि लोग अब अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने आप को सुरक्षित करके निकले, परहेज करते हुए निकले और बाहर जितनी हो सके पर्याप्त मात्रा में लिक्विड फूड वो लेते रहे। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोर्ट्स धनबाद।